this is the image of notice stick at the Government Polytechnic College, Bandra, for the admission process of Diploma and Polytechnic. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दिनेश सर। आज मैं आप लोगों को 10th के बाद एसएससी के बाद जो डिप्लोमा में एडमिशन्स होते हैं पॉलिटेक्निक में, उस एडमिशन प्रोसेस की पूरी डिटेल देने वाला हूँ। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है क्या। तो बच्चों, उनको पहले बता दूँ कि अगर आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया है तो आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस में डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, जो 3 ईयर्स का होता है। जो ये डिप्लोमा है उसका जो सेंट्रलाइज सेंटर है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बांद्रा मुंबई, यहाँ पर है। पहले वहाँ से किट लेनी होती थी, जो एडमिशन किट है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को एडमिशन लेना होता था, लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया है। अब आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है DTE महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो ये सब कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन सी डिटेल्स हमको अपने पास रखनी चाहिए, ये सब जानने के लिए और पूरा प्रोसेस समझने के लिए आइए शुरू करते हैं एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वेबसाइट पर जाके किस तरह से अपना फॉर्म भरना है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में किसी भी क्रोम ब्राउज़र या किसी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। उसमें आप गूगल में जैसे जाते हैं, आपको DTE टाइप करना है, आपके सामने ये वेबसाइट दिखेगी, उस पर क्लिक करना है आपको। DTE महाराष्ट्र की वेबसाइट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको डिप्लोमा प्रोग्राम्स एडमिशन 2018-19 में पोस्ट SSC पॉलिटेक्निक पर क्लिक करना है। आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की नई विंडो ओपन हो जाती है। ये जो विंडो है, यहाँ पर आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके आपको क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन करना है। आपको अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करनी है। सबसे पहले आपको ये विंडो ओपन होगा, वहाँ पर आपको अपना फुल नेम टाइप करना है, देन आपका ईमेल आईडी टाइप करना है, मोबाइल नंबर जो आप अपने पास रखते हैं वो मोबाइल नंबर रखना है, क्योंकि इसमें आपको जो है OTP एंड मैसेजेस आने वाले हैं, इसलिए आप जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर टाइप कर रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से आपको टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है, अपना खुद का पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं। आपको वो अल्फ़ा न्यूमेरिक रखना चाहिए, मीन्स अल्फ़ाबेट्स भी रखने चाहिए और नंबर्स भी रखने चाहिए। तो ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, उसे वापस से कंफर्म पासवर्ड एंटर करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, जिससे होता है आपकी प्रोफाइल जो है वो बन जाती है, क्रिएट हो जाती है और आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है पासवर्ड बनाते समय, और इस पासवर्ड को आप कहीं पर एक जगह लिख कर ले लेंगे। अब आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, आपके मोबाइल नंबर मोबाइल पे आया हुआ जो SMS के फॉर्म में OTP है, वो OTP आपको यहाँ पर एंट्री करना है और बाद में सबमिट बटन हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम OTP टाइप करते हैं और सबमिट करने के बाद हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन होती है, उसे हम ओके करके कन्फर्म करेंगे। राइट OTP होगा तो हमारे सामने इस तरह से हमारा एक प्रोफाइल क्रिएट हो गया है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको एक एप्लीकेशन ID नंबर मिल चुका है और यूज़र नेम। इसको मैं कॉपी करके लेता हूं, क्योंकि मुझे अभी फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। मैं इस यूज़र आईडी को लेकर वापस से मैं लॉगिन करने वाला हूं। अभी जो विंडो आएगी उसमें लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंट्री करना है। तो सबसे पहले मैंने जो वहाँ से यूज़र आईडी था उसे कॉपी किया था, आप लिख कर ले लेंगे कहीं पर, यहाँ पेस्ट करते हैं, और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो सेम पासवर्ड यहाँ पर एंट्री करके लेना है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको संभाल कर रखना है। यहाँ पर आपको एक कैप्चा दिखेगा, या कैप्चा के फॉर्म में यहाँ कुछ कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है, प्लस माइनस वगैरह, वो आप कैलकुलेशन करके आंसर यहाँ एंट्री करेंगे एंड लॉग इन करेंगे। ये कैप्चा सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है, हम मशीन नहीं है, ह्यूमन बींग है, ये प्रूफ करने के लिए होता है। अब सबसे पहले हम कौन से टाइप के कैंडिडेट है वो सेलेक्ट करना है। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, ये जो जितने भी टाइप्स है इसके कंडीशंस यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। अगर कैंडिडेट है वो 8, 9, 10 महाराष्ट्र से पास करता है, महाराष्ट्र के कॉलेज में पढ़ा है, तो वो टाइप ए कैंडिडेट है। अगर कैंडिडेट महाराष्ट्र के बाहर पढ़ाई कर चुका है और उसके माता पिता महाराष्ट्र में रहते हैं, निवास करते हैं, डोमिसाइल है, तो वो टाइप बी कैंडिडेट है। अगर कैंडिडेट जो है उसके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है और वो महाराष्ट्र के बाहर से ट्रांसफ़र हुए हैं, तो वो टाइप सी कैंडिडेट है। इस तरह से आप अपना प्रॉपर टाइप जो सेलेक्ट करेंगे।
अब आपको डिटेल एंट्री करनी है कि आपने 8th, 9th, 10th कौन से स्टेट से पढ़ाई की है। आपने महाराष्ट्र से पढ़ाई की होगी तो आपको महाराष्ट्र के अंदर अगर जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। आप मुंबई सिटी या मुंबई सबर्बन या जो भी सिटी में है, ठाणे में है, नई मुंबई में है, रायगढ़ में है, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है अपने 8th, 9th, 10th तीनों स्टैंडर्ड के लिए। और आपको अब सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको अपने रिजर्वेशन डिटेल्स यहाँ पर टाइप करनी है। आप जनरल कैटेगरी या रिजर्वेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास एससी एसटी ओबीसी एनटी वगैरह जो भी है। उसके बाद आपको डिसेबिलिटी यानी हैंडीकैप है तो येस या तो नो। फिर आप डिफेंस डिटेल, आपके कोई घर में पेरेंट्स है वो डिफेंस में है, येस या नो। अब आपको याद रखना है कि आपको नेशनैलिटी प्रूफ देना है, आप इंडियन हैं, आपको बर्थ सर्टिफिकेट या इंडियन पासपोर्ट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या तो तहसीलदार का दिया हुआ जो है नेशनलिटी सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। इसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपको अपने याद रखना है। आपकी स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट भी इनफ है या तो बर्थ सर्टिफिकेट भी इनफ है। तो सेव एंड प्रोसीड करेंगे हम, आगे बढ़ते हैं और ओके क्लिक करके फिर आगे जाएंगे। अब हमारे सामने जो है हमारा जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है और अब हम लोग जो है एसएससी की जो डिटेल्स है भरने वाले हैं। हमने जो एसएससी एग्ज़ाम दी है यानी 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दी है वो कौन से बोर्ड से दी है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है या टेक्निकल बोर्ड से है या कोई अदर बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड है, वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। हमारा जो नाम है मार्कशीट पर प्रिंट है वो प्रिंटेड नाम सेलेक्ट करते हैं। मम्मी का जो नाम है यानी मदर का नाम वो हम एज पर मार्कशीट यहाँ टाइप करते हैं। आपका जो 10th स्टैंडर्ड में सीट नंबर था वो सीट नंबर आपको टाइप करना है। और आपने जिस ईयर में एग्ज़ाम दी है, अगर आपने इस साल ही एग्ज़ाम दी है जैसे कि 2018 आप यहाँ ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो अगर आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दी थी तो आप 2017 सेलेक्ट करते हैं। अगर आप करंट ईयर स्टूडेंट हैं तो आपकी सारी डिटेल जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अगर आपने गैप दिया हुआ है या पिछले साल या उसके पहले के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है आपकी डिटेल्स जो है मार्क डिटेल्स यहाँ पर खुद से भरनी होगी। मैं यहाँ पर एक जो मैंने कैंडिडेट का नाम यहाँ डाला है वो प्रीवियस ईयर कैंडिडेट है 2017। अगर 2018 लेंगे तो उनकी जो करंट ईयर की डिटेल्स सीधे बोर्ड से फेच हो जाती है, लेकिन ये 2017 ईयर के कैंडिडेट है तो इनका गैप है, इसलिए हमको यहाँ पर जो उनके सारे मार्क्स है जो एसएससी के मैथमेटिक्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और एग्रीगेट मार्क्स, ये सब हमें अब यहाँ पर टाइप करके भरना है। अब आगे डिटेल्स बनेंगे। आप एसएससी टेक्निकल में थे, यस या नो। 12th आपका स्टेटस आप अपीयर कर रहे हैं, पास हो गए हैं या आपने नहीं दिया या एमसीवीसी था वो टिक करेंगे। आपका आईटीआई स्टेटस यस है या नो। और आपका जो ड्राइंग स्टेटस है यानी इंटरमीडिएट आप ड्राइंग एग्ज़ाम में आपने पास किया है क्या, यस या नो। इस तरह से करके आप जो भी प्रॉपर ऑप्शन है वो टिक करके सेव एंड प्रोसीड को क्लिक करेंगे। बार बार आपको एक विंडो आएगा ओके करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए आता है वो, एंड उसके बाद नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपका फुल नेम, मदर्स नेम एंड ऑटोमेटिक आ चुका है पहले ही हमने जो एंट्री किया था वो। अब आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ सेलेक्ट करनी है, डे मंथ एंड ईयर। देन आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद एक नया ऑप्शन अब आया है कि जो भी ऑर्फन होते हैं, ऑर्फन यानी जो अनाथ होते हैं, अगर वैसा कोई है उनके लिए भी रिजर्वेशन किया गया है तो आप येस या नो कर सकते हैं। आपको अपनी एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पर एंट्री करनी है। इसका एक फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि TFWS कोटा में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ट्यूशन फी वेवर स्कीम। ये मैं अभी आपको डिटेल बताता हूँ। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से कम है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आपका रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो सेलेक्ट करना है। आपकी मदर टंग कौन सी है वो मदर टंग आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अगर माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं, माइनॉरिटी मतलब कि जैसे बुद्धिस्ट माइनॉरिटी या दो टाइप की माइनॉरिटी मैं यहाँ पर बताऊँगा। एक तो लैंग्वेज की माइनॉरिटी होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और दूसरा होता है कि रीजनल माइनॉरिटी। अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं तो आप यस करते हैं तो आपको बताना है कि रिलीजियस माइनॉरिटी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इसमें भी आप देखेंगे कि रिलीजियस में भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी है, जैन है, बुद्धिस्ट है, वो आपको सेलेक्ट करना है, यस तो यस या तो नो। अगर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी करते हैं तो आप कौन से लैंग्वेज के माइनर हैं, गुज्जर, गुजराती या हिंदी, वो आपको सेलेक्ट करना है। ये माइनॉरिटी कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जैसे कुछ कॉलेजेस में माइनॉरिटी होती है लिंग्विस्टिक। अगर आप नहीं करना चाहते हो नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है। ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप अगर डालना चाहें तो यहाँ आधार नंबर टाइप कर सकते हैं या तो उसे लीव भी कर सकते हैं।
ये सब होने के बाद मैं आपको ट्यूशन फी वेवर स्कीम के बारे में बता रहा था। अगर 6 लाख रुपए से कम अगर पेरेंट्स की इनकम है तो वो TFWS कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें क्या होती है, जो ट्यूशन फीस होती हैवी फीस वही होती है, वो माफ़ हो जाती है और एक नॉमिनल फ़ीस हमें कॉलेज में भरनी होती है और ये पूरे 3 साल के लिए अप्लाई होगा। तो अगर जो बच्चे गरीब है या पुअर है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो इस कोटे से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें लिमिटेड सीट्स होती है, आपको ध्यान रखना है। आगे चल के हमको अपना जो एड्रेस डालना है, रूरल और अर्बन। रूरल मतलब अगर आप शहर में गांव में रहते हैं तो आप रूरल एरिया है, और शहर में रहते हैं तो अर्बन एरिया है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस टाइप करना होगा। एड्रेस टाइप आपका जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपना फुल एड्रेस यहाँ डालें। स्टेट आप आपका जो अगर महाराष्ट्र स्टेट है तो आप महाराष्ट्र सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं राजस्थान गुजरात वो स्टेट यहाँ बुला सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपको आपका जो एड्रेस है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन या जो भी हो, आपका तालुका यानी तहसील आपको सेलेक्ट करनी है, और आपका पोस्टल पिन कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको मुंबई सबर्बन जैसे वहाँ पर बहुत सारे जो पार्ट दिए हुए अंदर आप सेलेक्ट करते हैं, तो विलेज में भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सूटेबल आप अपना उसमें से देखिए, जो भी ड्रॉप बॉक्स में आ रहे हैं उसमें से कौन सा आपका विलेज हो सकता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर एड्रेस। अब आगे आपका मोबाइल नंबर पहले ही सेव था, ईमेल आईडी भी सेव था, 7 प्रोसीड करके ओके करेंगे तब ये फॉर्म आगे बढ़ जाता है। अब आपकी सारी डिटेल जो है वो सेव हो चुकी है। अब हमको अगला जो है ब्राउज़ करना है, हमारा जो फ़ोटो है वो पहले से हमें सेव करके फ़ोटो विद सिग्नेचर रखना है एक फोल्डर में, और एक पेपर पे आप फ़ोटो लेके उसके नीचे साइन करके स्कैन कर सकते हैं। अब उसको ब्राउज़ करके आप सेलेक्ट करेंगे कंप्यूटर के फोल्डर से और अपलोड करेंगे, सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो फाइनल स्टेप है वो पेमेंट का स्टेप है। हमें 400 फीस भरनी है। अगर हमारा कास्ट कैटेगरी रिजर्वेशन हो तो ये फीस 400 से भी कम लगती है। फर्स्ट ईयर पोस्ट एसएससी डिप्लोमा हमारा जो पेमेंट इन्फो है इस कोर्स के लिए है। इसके ऊपर हमारी जो एप्लीकेशन आईडी दिख रही है, पे नाउ ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेमेंट वैलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 400 रुपीज़ के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लगने वाला है। यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया तो हमें कार्ड नंबर और उस कार्ड के ऊपर जो भी नाम है, CVV नंबर कार्ड के पीछे, उसका एक्सपायरी डेट है, ये सब सेलेक्ट करके पे नाउ पर क्लिक करना है। आप अपनी बैंक के कोई भी कार्ड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या तो आप कोई भी एक वैलेट भी यूज़ कर सकते हैं, पेटीएम वैलेट, फ्रीचार्ज वैलेट, यस पे वैलेट, ऐसे बहुत सारे वैलेट यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल होगा। यहाँ पर यह डेमो है इसलिए मैं पेमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ। ये पेमेंट होने के बाद आपको एक रिसिप्ट जनरेट होगी जो आपको मेल में आएगी और आपको यहाँ डिस्प्ले भी होगी। उस रिसिप्ट का नंबर बाद में वापस से लॉगिन करके पेमेंट इन्फो में एंट्री करना है, उसके बाद आपका जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखा दोस्तों आपने, इस तरह से आपको डिप्लोमा के फॉर्म भरने हैं, और ये पूरा फॉर्म भरने के बाद जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ये ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद आपको रिसिप्ट ईमेल से आती है या जनरेट होती है। उस रिसिप्ट का जो नंबर है वो वापस आपको इनपुट करना होगा कन्फर्मेशन पेज के लिए। उसके बाद आप कन्फर्मेशन प्रिंट होने के बाद सारे प्रिंटआउट्स और आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 10th स्टैंडर्ड, 9th और 8th के भी जो डॉक्यूमेंट्स की आपने डिटेल डाली है वो डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आपने कोई रिजर्वेशन दिखाई है अलग से तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल विथ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, ये लेकर आपको बांद्रा के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसे शासकीय तंत्र निकेतन महाविद्यालय ले जाना है, वहाँ पर वो फैलिसिटेशन सेंटर है आपका, वहाँ से उसे वेरीफाई करवाना है। जो टेक्निकल पर्सन वहाँ होंगे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और आपका जो है प्रोसेस कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद जो कॉलेज के प्रोसेस है वो वहाँ से आप पता कर सकते हैं, या तो कॉलेज के प्रोसेस के लिए आप आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।